अच्छा जी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनका काउंटर लगा हुआ है और ये माशाल्लाह ठेके वाले का रश है। और इस तरफ ले जी सर जी, चेक करें पूरा पीला माशाल्लाह जाफलों से भरा हुआ आ गया। पहले वाला चले गया खत्म होकर, नया आ गया। अरे भाई साहब, चार मुर्गियां पूरे भी जबरदस्त तरीके से बनी हुई है, अभी इनको तो मसाले लगने हैं। ये दोबारा कोयले पे बनेंगे। ठीक हो गया, चले बेहतर है जी। इमरान भाई ये चेक करें, ओए होए होए, ये पीस चेक करें, वैसे उठाया नहीं जा रहा है, जरा गर्म पीस आल ये चेक करें, ये वाइट बन गई है और इसको ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। इस टाइम मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ अपनी फूड सीरीज़ की एक और वीडियो लेके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं लाहौर के मुख्तलिफ खाने ट्राई कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, उनका टेस्ट कैसा है, उनकी प्राइस कैसी है और किस इलाके में मौजूद है, पूरी डिटेल लेके मैं हाजिर होता हूँ। तो इस वक्त मैं आ गया हूँ लाहौर की सबसे मशहूर और लोगों की तरफ से नंबर वन सजी, जिसे डोकर सजी है, और ये हम इस टाइम मौजूद हैं बट चौक ताजपुरा में। कहा जाता है, लोग भी कहते हैं कि लाहौर की नंबर वन सजी है। क्यों है, इसका टेस्ट कैसा है, इसकी प्राइस क्या है, सारी चीज़ें लेके मैं आज की वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं और आपके साथ मैं डिटेल शेयर करता हूँ। अच्छा जी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनका काउंटर लगा हुआ है और ये माशाल्लाह ठेके वगैरह का रश है। और इस तरफ जो है वो टिक्की के लगे हुए, ये चेक करें टिक्के वगैरह लग गए हैं सारे, जो ऊपर रेट वगैरह लगा हुआ है सारी चीज़ें। और बाकी जो सच्ची है ना, वो यार इन्होंने भाई ने बताया कि ऊपर तैयार हो रही है, तो ये काउंटर इनका ख़त्म करते हैं, ये देख लिया हमने और ऊपर चलते हैं जहाँ पे इनकी मेन सब्जी तैयार हो रही है। सही, ये मेरे पीछे देखें, ये आवाम जो टेक अवे करने के लिए आई हुई है, ये उसका रश लगा हुआ है। और इस तरफ अगर मैं पीछे दिखाऊं तो ये टिके शिके पैक जो कर रहे हैं वो लगे हुए हैं सारी चीज़ें। तो ऊपर चलते हैं और चल के इनकी जो सब्जी बन रही है ना उसे ट्राई करें। नहीं जी, ये चेक करें सब्जी के पूरा उसने पीस पकड़ रही है, उसको मसाले शसाले लगा के तैयार कर रहा है, तैयार करके फाइनल माशाल्लाह बनने के बाद ये मसाले ही तो मज़ेदार इसका टेस्ट बनाते हैं। मसाले वगैरह काफ़ी सारे ज़बरदस्त, होए 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 तबाही हुए परी जा रहे हैं। और उसके ऊपर ये देखा जी, तबाही किस्म का नींबू भी तोड़ रहा है। ओहो, ये चेक करें भाई साहब, चार मुर्गियां पूरे पीस जबरदस्त तरीके से बनी हुई हैं, अभी इनको तो मसाले लगने हैं। और ये चेक करें, ये बड़े हुए हैं मसाले लग लग के ज़बरदस्त तरीके से बना रहे हैं। और इसके साथ ये चेक करें चावल, ये प्रात भर के छुहारों वाले चावल, और चावल आ कहाँ से रहे हैं ये चेक करें, ये बड़ा सा पतीला है, अभी तो ये पतीला पूरा खाली कर दिया, नया आया था, नया आता है पतीला तो उसकी वीडियो बनाते हैं। तो ये सारा सेटअप है, थोड़ा सा पीछे होके देखूँ तो ये टोटल सेटअप लगा हुआ है, इधर ही चावल है, इधर ही सब्जी बन रही है, और वो पीछे ये देखे अगर आप दिखाऊं तो यहाँ सब्जियाँ कोले के ऊपर फ्राई हो रही है। अच्छा जी भाई साहब, गर्मी ने तो मद मारी हुई है, लेकिन जो यहाँ आके खुशबुएँ आ रही है ना सब्जी की, मैं कहता हूँ वो नींद ख़राब कर रहे हैं। आर्डर हमने अपना दे दिया हुआ है, आर्डर एक थोड़ा सा जो सोच के नहीं आए थे वो भी दे दिया, यहाँ पर आए हैं तो इन्होंने एक खंगार सब्जी के नाम से एक नई आइटम भी इंट्रोड्यूस करवाई है। वैसे रेगुलर इनकी सब्जी है, मेरे पीछे आप दे भी सकते हैं, इस टाइम सब्जियों उन्होंने अपने जो फूड है वहाँ पे लगा के रखी हुई है। और इधर से पतीला भी खाली चले गया, अभी पतीला आता है भरा हुआ चावलों का, तो वो भी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह मसाले लग रहे हैं, पीछे सब्जियाँ जो कोयलों पे वो फ्राई हो रही हैं और माहौल मचा हुआ है। हम इस टाइम सेकेंड फ्लोर पर आए हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पर भी हॉल बना हुआ था वो फुल था, और ऊपर आ गए, ऊपर ज़रा माहौल भी ज़बरदस्त बना हुआ है, और यहीं बह के ट्राई करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। ले जी सर जी, चेक करें पूरा पतीला माशाल्लाह चावलों से भरा हुआ आ गया, पहले वाला चले गया खत्म होकर, नया आ गया। ये रही जी चावल जो आपको सब्जी के साथ मिलते हैं, और इस तरह अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रही सब्जियाँ, इसमें मसाले ला के नहीं ज़बरदस्त, और माशाल्लाह ये चेक करें ये पतीला, ये ख़त्म होगा और नया पतीला आ गया। तो ऑर्डर हमने अपना दे दिया होगा और इंतज़ार है ऑर्डर का, जैसे ऑर्डर आ जाता है फिर आपको ना टेस्ट करके दिखा दूँ। वो सिंपल सजी है, अंगारा सजी है। तो ये मसाले लगा के दोबारा कोयले पे डालेंगे या बस? ओके, ये दोबारा कोयले पे बनेगी।
ठीक हो गया चले बेहतर है जी। नहीं जी भाई जान बता रहे हैं ये अंगारा सब्जी है और ये मसाले लगा जा रहे हैं, ये चेक करें जबरदस्त है और ये पूरा पीस रेडी हो गया जी। अब ये जाएगा इधर कोयलों पे, क्या बात है क्या बात है। अब ये कितनी देर पकाएंगे इसके ऊपर मजीद? मैक्सिमम वन मिनट, और वन मिनट तक रेडी फिर खाने के लिए। चलो जबरदस्त हो गया। ये जो अंगारा सब्जी वो तैयार की है ना? बिल्कुल ठीक हो गया। ले जी भाई ने बताया ये अंगारा सब्जी फुल, ये हाफ है ना? हाफ हो गई और ये क्वार्टर है। बासी का भी सब्जी का पीस बाद में डालना है। अच्छा नीचे आ गई है, चलें बेहतर हो गया बेहतर हो गया। तो जी भाई साहब ये चेक करें, हाय 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 अंगारा सब्जी क्या जबरदस्त व्यू दे रही है। ले जी इस गर्मी में बहुत बुरे हालात है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको पता है शो के आगे तो कोई बात नहीं है ना, सारी वीडियो नीचे से भी बना ली है, इधर ऑर्डर लग रहा है वो भी सारी वीडियो बना ली है और अब बैठे इस टाइम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। तो हमने दो ऑर्डर दिए, एक इनकी जो नया आइटम है अंगारा सब्जी वो हाफ ऑर्डर की है और एक जो इनकी रेगुलर सब्जी है वो की है। और मज़े की बात है ये देखें जी हमारा ऑर्डर आ गया है, ये जो अंगारा सब्जी हमें हाफ मंगवाई है ना ये इन्होंने दे दी है। उसमें कुछ कह रहा हूँ कि ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हो गई है इमरान भाई, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया बहुत ज़्यादा? मुझे मुझे लग रहा है कि मुझे हमें क्वार्टर ऑर्डर दे देना चाहिए था। चले बाकी आप ट्राई कर दिया तो फिर देख लें। अच्छा जी इमरान भाई ऑर्डर हमारा आ गया और ऑर्डर लगता है बहुत ही ज़्यादा आ गया जी। तो हाफ हमने मंगा लिया, इनकी जो रेगुलर सब्जी है वो मंगवाई है, चिकन का पीस इसके नीचे है, ज़रा दो मिनट तक निकाल के दिखाते हैं। और ये हमने हाफ इनकी जो न्यू आइटम है अंगारा सब्जी वो मंगाई है, जो कि चिकन ऊपर ही नज़र आ रहा है और छुआरे छुआरे नज़र आ रहे हैं। और भूख से जो हाल है ना और गर्मी से हाल है, मेरा ख्याल है कि ये ऑर्डर हम ट्राई करेंगे ख़त्म करने की, बाकी इसको ट्राई करते हैं। तो मैं थोड़ी सी इधर को चावलों को प्लेट में डाल लूँ क्योंकि ये बहुत मुँह सर हुई हुई है, ये नौके गिर जाए। ले जी ओए होए होए इमरान भाई ये दिखाएं जरा बोटी, ओए होए तो भाई है यार बहुत, तो भाई है बहुत लाल सुरख भाई है। ले जी ओहो हो हो जल्दी में थोड़ी सी मैंने नीचे गिरा दी है। इमरान भाई ये चेक करें, ओए होए होए ये पीस चेक करें, वैसे उठाया नहीं जा रहा है, जरा गर्म पीस हल है, क्या बात है कितना ज़बरदस्त मैरिनेट हुआ है कि पीस ऐसे हाथ लगा रहा हूँ और पीस टूट ही जा रहा है। तो एक बड़ी सी वाइट बना लेते हैं, ये देखें बड़ा सा फुल बड़ा वाला पीस डाल लिया, ये चेक कर ये वाइट बन गई है और इसको ट्राई करते हैं। फर्क तो है इसमें और उसमें, ये फर्क है कि ये थोड़ी सी ना चटकारेदार है मसालेदार है और सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं दिखा रहा हूँ जो चेक करें ये पीस है, इधर चेक करें कितने मज़े से पीस टूट रहा है, ये देखें बंद है। अमूमन चिकन का वो हिस्सा जिसमें हड्डी नहीं होती है ना वो अमूमन ना बंदे को ना चबाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये मक्खन मलाई की तरह मुंह में जा रहा है, मैं कहता हूँ ए बन है जबरदस्त। लो जी साजी है मज़े आ गए जी, चेक करो सजियाँ सजियाँ चावल ही चावल और है जी लाल कलर देना, हाय 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 है अंगारा सजी ने तो अखीर कर दी थी जे। मैं दो दही मंगा लेते जे क्योंकि एक ना तो गुजारा होना नहीं, क्योंकि मिर्च खाने का मज़ा तो आंदा है लेकिन फिर उन्होंने ना तो बर्दाश्त भी करना पैदा है। भर लीती जी चम्मच और सब्जी खाने का सही जरा तरीका जो ना देसी तरीका जरा पाइए पीस फड़ो ए मारो दही के बेच पूरे पूरे पीस कड़काओ तो मज़ा आता जी, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया जितनी मुझे भूख लगी हुई थी ना और जितना मैं खुशबुएँ ले लेके मेरा दिल खराब हो रहा था उतना ही मान लेते मज़ा आ गया। हमारी लोरी जबान में क्या कहते हैं कि चस आ गई है मान ले सची खाने की ना। ले जी हमला जा रही है पर एक हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, हमने हाफ सादी सब्जी मंगाई थी और हाफ जो थी ना हमने ये अंगारा सब्जी मंगाई है, लेकिन अपने बारे में वैसे हमारी मिस्टेक भी नहीं है, इनकी खसूसियत है कि यार इन्होंने चावल बहुत ज़्यादा दिए हैं। हाफ सब्जी 1200 रुपए की, लेकिन चावल जो उसने दे दिए इन्होंने फुल सब्जी वाले दे दिए, इसलिए हमसे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और मैंने इसके लिए ये देखे रायता एक, ये रायता दो, दो रायता दही वाले मंगाए हैं क्योंकि थोड़ा सा मिर्च का मज़ा भी तो करना चाहिए। और यार एक जो मेरी जो फेवरेट है ना वो यार ये वाली है, ये जो इमली वाली सॉस है ना मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट ये, मैं तो ज़्यादा नहीं इसके साथ खाता हूँ, चावलों को इसमें मैं धो लें ज़्यादा रहा
और इस तरह करके आप इसकी बाइट बना लें। और ये देखें ज़बरदस्त तरीके से, हाँ हाँ। और साथ में अगर आपने इंजॉय करना है तो ये साथ साथ सब्जी के पीस पकड़े और साथ साथ देसी तरीके से हाथ उतारते जाए और हमला करते जाए। मैंने तो एक पूरी यहाँ से प्लेट चावल की भर के डाली थी, मैंने तो खा ली है। इमरान भाई अभी भी लगे पड़े हैं। बल्कि आज का सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि हम हर वीडियो के अंदर पूछते हैं कि इमरान भाई मिर्च कैसी है, मिर्च ठीक है? हाँ जी, हमने जो मिर्च का सेंडर रखा हुआ है वो आरिफ चटकारे वाला, उससे कितनी कम है? उसे हाफ है। इसका मतलब है कि ठीक है आपके लिए। हाँ। वो मैं यही दिखा रहा था, ये चेक करें, मैं यही बता रहा था कि सब्जी तो हाफ दी है लेकिन चावल फुल सब्जी के दे दिए। हाँ हाँ, फुल के कितने होंगे? हाँ हाँ, वैसे मेरा ख्याल है कि जो हाफ सब्जी है ना वो दो लोगों के लिए बहुत है इमरान भाई, ठीक है ना? चले चले बेहतर हो गया। ले जी, हम कोशिश करते हैं कि चावलों को खत्म करने की, जितनी खाएगी बेहतर है, बाकी हमने जाया तो नहीं करनी, हम पैक करा के ले चलेंगे साथ ही। लो जी भाई जी, सब्जी तो अपन मुका छी जी, जिन्हें खाधी की खा ली है, बाकी असी पैक करा लीती है। ए बहुत जरूरी सी, जिन्ना मैं कहना मिर्च मसाला सी ना, मतलब मेरा कहने का ये मकसद नहीं है कि मसाला ज्यादा था, मकसद ये है कि जितना हमें पसंद था हमने उतना मसाला डाला है। और ये चेक करें, उन्होंने मसाला एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है कि अगर आपको मसाला कम लगता है तो आप मसाला और डाल लें। तो मैंने तो चावलों पे इससे भी डाल के खाया, तो इसके बगैर अब गुजारा नहीं होना। मैदे के अंदर जो अब हलचल मच गई है ना, ये मैंने मिन मार्केट मंगा लिया है और मैंने इमरान भाई के लिए भी मंगा लिया है। इमरान भाई क्योंकि थोड़ा सा स्लो खाते हैं तो वो आराम से खा रहे हैं, तो उनके लिए भी आ गया है। तो इमरान भाई को साथ धमकी भी है कि जल्दी चावल मुका लो, नहीं तो ताड़ा मार्केटा भी मैं निपट जाना जी। तो इसको ट्राई करते हैं, ट्राई क्या करना है, वैसे ही नॉर्मल जिस तरह का सारे होते हैं वैसे ही है। हाँ, लेकिन मजा ये आ रहा है कि गरम गरम के ऊपर ये ठंडा ठंडा जाके मार्केटा डाल रहा है ना, सीने ठंड बह गई है यार। उम्मीद है कि आपको भी ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लो जी, खाना तो हो गया है, हो रही है वापसी। तो दो मंजिला उत्ते चढ़ के आए हुए हैं, दो मंजिला थले जाने पे ये पीछे हाल भी है। एक असि उत्ते बह के खाना खाता है, उत्ते बहन ऐसी यार ओपन ही खाना खाता है, अब हवा भी ठंडी चलती भी, सीधा मजा आ गया खाना खाने का। बाकी हम वीडियो को क्लोज करते हैं तो तुम रिव्यू दे। अच्छा जी, मुझे तो बड़ा मजा आया, इमरान भाई को भी बड़ा मजा आया, क्योंकि हजबे ममूल मिर्ची इसमें कम थी। और मान लें जो इन्होंने नई आइटम लगाई है, नई अंगारा सब्जी, ये फिलहाल मैंने लाहौर में तो ट्राई नहीं की, और वैसे भी आपको पता है मैं सब्जी लवर हूँ, तो मज़ा आ गया मान लें खाने का। और रेट भी रिजनेबल तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक है, 1200 में हाफ सब्जी। और लेकिन चावल जो उतने इन्होंने बहुत ज़्यादा दे दिए, आप चेक करें, मैं चावल सारे पैक करा लेते जी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि मेरा मैंने चेक किया कि मेरी 80% ऑडियंस मेरी वीडियो देख जाती है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती है। एक आपकी छोटी सी काविश है, चैनल को बटन को सब्सक्राइब कर दबा दीजिएगा ताकि मेरी भी हेल्प हो जाए। तो इंशाल्लाह इसी तरह की और फूड वीडियो लेके मैं हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।